नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, फल जो है हमारे कुछ कट चुके हैं और कुछ को अभी डेकोरेट करना है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और दिखाएंगे आपको ये संतरे जैसा दिखने वाला फल ना क्या है। तो इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखना। ये देखिए, मौसमी जैसा लग रहा है ना, और ये आकार में ना मौसमी का डबल ट्रिपल हो जाता है ये मान लीजिए आप। और खाने में ये ना कुछ कुछ वैसा ही लगता है और इसका टेस्ट भी का अच्छा रहता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस ने ये वाला फल देखा है। मेरे ख्याल से ना हमारे यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया है, तो हमने सोचा ना आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देते हैं और अच्छा भी लगता है अगर कुछ नया देखते हैं और नया दिखाते हैं ना। तो ये देखिए, ये वाला जो होल है ना, इस पर एक पेड़ के ऊपर एक ऐसी मक्खी आ जाती है ऑटोमेटिकली, जो अगर इस पर बैठ जाती है ना तो इस होल में बैठ जाती है और वो पूरा फल जो है ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन आप लोग ना इसे अगर तोड़ के रख लेते हो, जैसे पीलापन इसमें आने लग जाता है ना, तो वो मक्खी आती है और पीलापन आ जाता है, ये अंदर से पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको तोड़ के फ्रिज में कई दिन तक रख लोगे ना, 2-3 दिन तक, तो ये चल जाता है, वरना पेड़ पे ये ख़राब हो जाता है। और ये देखिए, अभी मैं ना इसका छिलका उतार लेती हूँ, और छिलका ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मतलब उतर भी नहीं रहा था। जैसे ये मान लो मौसमी का होता है ना, उसी तरह से होता है। और इस पर जो लेयर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये देखिए, अभी मैंने इसको छील लिया है और ये देखिए इस तरह से होता है इसका पूरा का पूरा। और आकार में भी ये जैसा दिखने में था ना, वैसा ही अंदर से भी मिला है। तो हमने इसको खूब एंजॉय के साथ खाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था खाने में। और ये मौसमी जैसा दिखने वाला फल का नाम चकोतरा होता है। उसके बाद हमारा फल फ्रूट का तो काम हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पर ना पूरियाँ जो हैं वो बना रहे हैं। सब्जी तो रखी थी, तो हमने सोचा बच्चों के लिए ना पूरियाँ बना देते हैं। और मन भी रहता है इनके, ये लोग ना ऐसा खाना जो है ना वो काफ़ी एंजॉय करते हुए खाते हैं, क्योंकि रोटी है वो तो हर दम खाते हैं, लेकिन पूरियाँ करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मेरे वीडियो भी जाते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद खाना पीना हमारा हो चुका था। और ये जो इस तरह की कैन होती है ना, इनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की कैन को ना आप कैसे साफ़ करते हैं कर सकते हैं, जैसे पानी वगैरह लाने वाली होती है, तो इसमें मैंने पत्थर डाले हैं। तो आप अगर आपके पास ऐसे इस तरह के पत्थर ना हो, तो आप ईंट ले सकते हैं, उससे भी ईंट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में और इस तरह से उसको ना हिला सकते हैं। मैंने इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा सर्फ, ज़्यादा नहीं डालना है चुटकी भर, वरना फिर इसमें ना स्मेल रह जाती है काफ़ी ज़्यादा, धोने के बाद भी नहीं जाती है। और पत्थर डाल के आप इसको इस तरह से हिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा हद तक ये साफ़ हो जाती है। तो मैंने इस तरह से की है, आप लोग ने अगर करते हो तो मुझे बताना। और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में रह जाता है, तो मैं इस डंडे की मदद से भी इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के कैन को ना साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आता है तो सभी जगह पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का सपोर्ट और साथ मिल सके आप लोगों के माध्यम से। तो चलिए, मेरी कैन भी जो है ना वो साफ़ हो चुकी है। अब इसमें मैं साफ़ पानी डाल के अच्छे से और इसको 2-3 अच्छे पानी से धो लूँगी। और ये सब्जी कट कर रही हूँ, रात का समय है, गवार की फली है, इनको मैं कट कर लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो फुल सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद, बाय।